नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर शहर में छाए बादल रविवार सुबह अचानक बरस पड़े। सुबह से तो हल्की बूंदाबांदी होती रही, लेकिन करीब 7:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरा गया। इसके बाद मौसम खुला और फिर धूप निकल आई। दोपहर करीब 12:30 बजे फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई, इससे जगह जगह पानी भर गया। इंदौर में 24 घंटे में करीब 1 इंच बारिश हुई। शहर के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीएड एडमिशन में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण दिए जाने के मामले में फिर से जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वीणा वादिनी समाज कल्याण विकास समिति की तरफ से याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। बेंच ने इस नीति को आरक्षण का ओवरडोज और असंवैधानिक बताया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गर्भगृह में पहुंचकर भगवान का जल अभिषेक किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो देश में महत्वाकांक्षी चीता दोबारा उत्पादन परियोजना की देखरेख कर रहा है, सोमवार को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है, जो नामीबिया से केएनपी में स्थानांतरित किए गए चीतों की मौत के संदर्भ में है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार एक चीते को अपनी आवाजाही के लिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। केएनपी 748 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका बफर जोन 487 वर्ग किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर सीएम शिवराज ने कहा कि मन की बात देश की जन जन की बात है, यह एक सामाजिक आंदोलन बन गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीपल्स मॉल्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर 10,000 महिलाओं भी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मन की बात देश के जन जन की बात है, मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, क्रांति बन गई है। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।